Today we will revise our third chapter, that is consumer behavior and the equilibrium. And in this chapter we will learn about who is consumer and what are the behavior of the consumer and how a consumer will get equilibrium when he consumes the goods and services. Now if we talk about the consumer is a person who consumes goods and services directly or indirectly. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है भाई, मैंने परचेज़ किया, मैंने खुद कंज्यूम कर लिया, ये डायरेक्ट कंजम्पशन होता है. किसी और ने परचेज़ किया, मैंने कंज्यूम किया, वो इनडायरेक्ट कंजम्पशन होता है. ठीक है, चलिए बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर में अगर हम बात करें तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है, कंज्यूमर इज अ रेशनल पर्सन. कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल पर्सन. कंज्यूमर एक रेशनल पर्सन होता है. रेशनल पर्सन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कंज्यूमर रेशनल कब होगा, कंज्यूमर विल बी रेशनल व्हेन कंज्यूमर एक्सप्रेसेस हिज सेटिस्फैक्शन. जब कंज्यूमर क्या करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करेगा. मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम क्यों करता है, सबसे पहली बात तो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम इसलिए करता है क्योंकि उसे क्या है, अपने वॉन्ट्स को फुलफिल करना है, अपने नीड को फुलफिल करना है. तो अपने वॉन्ट या नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है. अच्छा एक बात बताओ, जब कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है तो क्या वो अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अच्छा है, खराब है, तीखा है, मीठा है. तो ये क्या होता है, रेशनल पर्सन की पहचान होती है. और इरेशनल पर्सन क्या है, देते जाओ, खा रहा है भाई, पेट भरा, कुछ नहीं बोलेगा, और दे दो और खा लिया, फिर और दे दो फिर और खा लिया, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी आपका एक्सप्रेशन नहीं रहेगा. ठीक है, तो रेशनल पर्सन हमेशा क्या करता है, एक्सप्रेसेस सेटिस्फैक्शन को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है. नाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो लिमिटेड. कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, वो लिमिटेड होती है. ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहे जितने कंज्यूमर हो, सबकी इनकम क्या है, लिमिटेड है. सबकी इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है. एंड सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेस ऑन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन. अब सेटिस्फैक्शन जो मिलता है हमें, भाई हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला, अब उससे कम का सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब हम दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे, जब हम क्या करेंगे, दूसरा यूनिट को कंज्यूम करेंगे. तो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पर. मतलब कि पहला यूनिट खाएंगे तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. क्यों, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको समोसा खाने का आज मन है, अब हम समोसा खाने के लिए इतना ज़्यादा आतुर थे कि हमने जो है पहला यूनिट इतना अच्छा लगा हमको खाने पर, तो जो हमको पहला यूनिट खाने पर हमें जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने पर, ऐसा नहीं होता है. तो सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करता है एवरी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, आपका यूटिलिटी टॉपिक है. तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर में ये तीन बिहेवियर कंज्यूमर के हैं आपके. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी. अब ये यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब हुआ जैसे कि हम सेटिस्फैक्शन अपने वर्ड्स में कहते हैं, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा जाता है. इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है. तो सेटिस्फैक्शन डराइव्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. मतलब कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं. और यूटिलिटी आपकी तीन तरह की होती है. वन इज टोटल यूटिलिटी, अनदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, एंड थर्ड वन इज एवरेज यूटिलिटी. तो यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. एंड यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, TUMU एंड AU. अब ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब हम लोग शेड्यूल से पहले समझेंगे फिर उस पर आएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे. देखो अगर मान लीजिए हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमको कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 100 का. और हम जानते हैं कि जब हम दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. दूसरा यूनिट कंज्यूम करने पे हमें कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 90 का सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब उससे कम मिला. जब तीसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो और कम मिलेगा. चौथा यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. मतलब अगर हम देखें पहले यूनिट पे हमें 100 का सेटिस्फैक्शन मिला है, दूसरे यूनिट पर 90 का, तो दोनों यूनिट पे मिला करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 190 का. समझ में आया, दोनों यूनिट पे मिला के कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 190 का. तीन यूनिट पे मिला करके टोटल कितने का सेटिस्फैक्शन मिला आपको, 260 का. और चार यूनिट पे मिला करके टोटल आपको कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 300 का सेटिस्फैक्शन मिला. मतलब कि ये चल,
तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे MU को ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे MU को ऐड करते जाओगे, जैसे 100 पे 100, 100 और 90 190, 100 90 70 260, 100 90 70 40 300, मतलब कि सिग्मा MU को ऐड करते जाओ और आपको क्या मिलता जाएगा, TU मिलता जाएगा। MU को ऐड करते जाओ और आपको क्या मिलता जाएगा, TU मिलता जाएगा, मतलब टोटल यूटिलिटी मिलता जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए TU गिवन है और MU निकालना है, अभी तो MU गिवन था, TU निकाल रहे थे, लेकिन अगर TU गिवन होगा, MU निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो MU इज इक्वल टू होता है TU n माइनस n माइनस 1, n का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, कौन से यूनिट की कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड यूनिट का कंज्यूम कर रहे हैं तो TU2 माइनस 1 क्या होता है, TU2 माइनस TU1, 2 में से 1 गया 1 ना, तो मतलब कि दूसरे वाले में से हम पहले वाले को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, आपका TU MU मिल जाएगा। जैसे कि दूसरे पे कितना, 190, 190 में से ऊपर वाले 100 को माइनस किया तो 90 आया, फिर 260 में से 190 माइनस किया तो 70 आया, फिर 300 में से 260 माइनस किया तो 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या मिलता है हमको, MU मिल जाता है, इस तरह से हमें क्या मिलता है, MU मिल जाता है। MU में क्या हो जाएगा आपका, MU में हो जाता है आपका 190 में से 100 माइनस किया, 260 में से 190 माइनस किया, 300 में से 260 माइनस किया, तो आपको क्या मिल जाता है, MU मिल जाता है। अब याद रखिएगा, पहले यूनिट पर TU और MU क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। तो अगर हमको टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करना है तो TU को कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज TU, या तो क्या लिखेंगे, टोटल सेटिस्फैक्शन डराइव्ड ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कंजम्पशन, क्या लिखेंगे, टोटल सेटिस्फैक्शन डराइव ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कंजम्पशन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डराइव ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, क्या लिखेंगे, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डराइव ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि यहाँ पर हमने एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन किया, एक से दो पर आए तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 90 का, दो से तीन पर आए तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 70 का। और एवरेज यूटिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एवरेज यूटिलिटी क्या होता है आपका, एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है कि एवरेज यूनिट ऑफ एवरेज कंजम्पशन डराइव, एवरेज जो कंजम्पशन हमें डराइव होता है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज यूटिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, TU और MU पढ़ना है।